नमस्ते दोस्तों। दोस्तों ये इंजन को आप देख रहे हैं, ये MK12 इंजन है। इसको हम पेट्रोल में सेट करेंगे क्योंकि ये पहले डीजल में चल रहा था और डीजल ज़्यादा ख़राब हुआ, ये जो स्पार्क प्लग में ना बार बार वो स्पार्क प्लग को ख़राब कर दिया, इसलिए ये आया है पेट्रोल में सेट करने के लिए। अभी हम पेट्रोल में कैसे सेट करते हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पहले हम एयर स्क्रू को फुल टाइट कर देंगे। उसका जो एयर स्क्रू है उसको फुल टाइट कीजिए, ये देखिए। इसे हमने फुल टाइट कर दिया। उसके बाद कार्बोरेटर को खोल लेना है नीचे। अब दोनों स्क्रू को खोल के कार्बोरेटर को नीचे खोल देना है। ये देखिए दोस्तों, अभी हमें क्या करना है दोस्तों, इसके अंदर एक 32 नंबर तार में डाल रहा हूँ, मैं आपको दिखाने के लिए डाल रहा हूँ। इसको मैं बाद में खोलूँगा, क्यों खोलूँगा ये भी मैं आपको बताऊँगा। ये देखिए, मैंने एक 32 नंबर का तार वायर डाला है उसके अंदर। ये 32 नंबर का वायर डालने के बाद हम जब उसको सेट करेंगे, कम से कम 2 राउंड खुलना चाहिए एयर स्क्रू। अगर नहीं खुलेगा तो हम उसको हटाएंगे और 30 नंबर का तार डालेंगे इसके अंदर, क्योंकि एयर स्क्रू खोल के रहना चाहिए। अगर फुल टाइट होकर रहेगा ना तो ज़्यादा वो एयर तो हवा तो नहीं जाएगा अंदर, खाली पेट्रोल को वो खींचने लगेगा। ये देखिए, पहले से इतना था, 1.5 राउंड पहले से सेट था, इसीलिए मैंने 32 नंबर का तार डाला है मैं आपको दिखाने के लिए। कभी भी आप खोले उसको राउंड को चेक कीजिए, वो कितना राउंड में है सेट है, किरोसिन में कितना राउंड में वो सेट है। बाद में जब कस्टमर लेके जाए उसको किरोसिन मिले, वो खाली वायर को निकाल देगा और कुछ करेगा नहीं, और कुछ छेड़छाड़ नहीं करेगा। अभी मैं कार्बोरेटर को लगाता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद आप सुन सकते हैं इसका आवाज़, इंजन का आवाज़ सुन सकते हैं। तो अभी आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है, कितना खोलने पर कितना क्या हो रहा है। जब हम एयर स्क्रू को खोलेंगे तो अभी आपको पता चलेगा। अभी तो फुल टाइट है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद एयर स्क्रू को खोलेंगे, जब एयर स्क्रू फुल टाइट होकर रहेगा। अभी देखिए, ये मशीन में अभी ये मशीन में क्या होगा, एयर स्क्रू को खोलते ही इंजन बंद हो जाएगा, क्योंकि ये 1.5 राउंड में सेट था, हमने वायर डाल दिया उसके अंदर। जितना फ्यूल जाना चाहिए उसके अंदर वो नहीं जाएगा, वो खाली फ्यूल को खींच के लेकर जाएगा, हवा नहीं लेगा, हवा के साथ मिक्स होके जाना चाहिए पेट्रोल। अभी देखिए, हमने पेट्रोल डाला, दोस्तों इंजन तो स्टार्ट हो गया, अभी मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। अभी इंजन बराबर चल रहा है, टाइट में बराबर चल रहा है। जैसे ही मैं 1 राउंड खोलता हूँ ना, इंजन दबने लगता है, जैसे बंद हो जाएगा। अभी मैं टाइट किया, अभी देखिए इंजन बराबर चल रहा है। दोस्तों ये 32 नंबर तार को खोलना है और 30 नंबर का वायर डालना है, क्योंकि एयर स्क्रू को कम से कम 1.5 राउंड से 2 राउंड खोल कर रहने चाहिए। उसमें जो एयर स्क्रू रहता है वो कम से कम 1 से 1.5 राउंड या 2 राउंड को खोला रहना चाहिए।
फुल अगर हम टाइट कर देंगे ना, वो खाली पेट्रोल को खींचने लगेगा और इंजन भी बराबर नहीं चलेगा, धक 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 का आवाज करेगा। दोस्तों 32 नंबर तार को हमने हटा के 30 नंबर का तो वायर डाला है उसमें। अभी मैं स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ। देखिए इंजन कैसे आवाज़ कर रहा है, धक 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 का आवाज़ कर रहा है। अभी हम एयर स्क्रू को खोलेंगे। देखिए दोस्तों हमने स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी एयर स्क्रू फुल टाइट है, अभी हम उसको ढीला करते हैं। ये हो गया हाफ राउंड, ये हो गया वन, और ये हो गया वन हाफ, यानी डेढ़ राउंड हमने ढीला किया। मशीन डेढ़ राउंड पर बंद होने लगा, इसीलिए हमने हाफ राउंड और टाइट कर दिया। अभी इंजन पूरा सेट है।